लॉकडाऊनमुळे लंगर साहेब गुरुद्वारामध्ये अडकलेल्या भाविकांचा दुसरा जत्था आज पंजाब आणि हरियाणाला रवाना झाला. तब्बल 13 खाजगी बसेसने 400 अधिक भाविकांची घर वापसी झाली. पंजाब आणि हरियाणातील जवळपास 3,500 भाविक गुरुद्वारा दर्शनासाठी नांदेडला आले होते. मागील 1 महिन्यापासून हे भाविक सचखंड गुरुद्वारा आणि लंगर साहेब गुरुद्वारामध्ये अडकले होते. या भाविकांचे घर वापसी करण्यासाठी केंद्रीय मंत्री हरमीत सिंग कौर बादल यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांच्याकडे मागणी केली होती. लंगर साहेब गुरुद्वाराचे संत बाबा नरेंद्र सिंगजी, संत बाबा बलविंदर सिंगजी, पालकमंत्री अशोक चव्हाण, खासदार प्रताप पाटील चिखलीकर, खासदार हेमंत पाटील यांनी देखील पाठपुरावा केला होता. अखेर केंद्र सरकारकडून भाविकांच्या घर वापसीला परवानगी मिळाली. 2 दिवसापूर्वीच 320 भाविकांचा पहिला जत्था रवाना करण्यात आला होता. त्यानंतर आज 13 खाजगी बसेसमधून 400 अधिक शीख भाविकांची घर वापसी करण्यात आली आहे. ये बीमारी लगी और कोरोना वायरस की और सभी संसार भर के अंदर पूरे वर्ल्ड के अंदर लॉकडाउन किया गया. ऐसा ही जो भारत देश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो लॉकडाउन का संदेश दिया और वो इसलिए दिया था कि ये बीमारी से बचने के लिए अपने अपने घर में रहो और अपने बच्चों में बैठो. ये जितने लोग भी ये कानून की पालना करेंगे और ये बीमारी से बच सकते हैं. और इस वजह से जब भी प्रधानमंत्री ने ये लॉकडाउन किया उस टाइम जहाँ जहाँ भी लोग ठहरे थे, यात्री लोग गए थे, वहाँ वहाँ ही जो लोग रुके हुए थे, ऐसा ही नरेड़ के अंदर जो गुरुद्वारा सचखंड साहब की धरती पे यात्री यात्रा करना आए थे उस टाइम यहाँ पर जो यात्रा करके लोग घरों को जाने वाले थे उस टाइम ये लॉकडाउन का संदेश आया और यहाँ ही रुके रहे. और उस टाइम पे जो मुश्किलें आई, किसी के बच्चे, किसी के बुज़ुर्ग घर में और उसकी याद आती थी और किसी का खेती का काम था इसलिए किसी को कोई काम था, मजबूरियां थी और इसलिए हम भी बार बार रिक्वेस्ट करते थे सरकार को कि हमारे को परमिशन दी जाए. उस टाइम जो भारत सरकार ने सेंटर से ये परमिशन दिया, यहाँ पर हमारे पास चिखलीकर भी बैठे हैं और भी जितने जितने सभी लोग हैं जिसने जिसने इसमें संयोग दिया है बहुत ही अच्छा है. और सबका ही फर्ज बनता है इस संकट की घड़ी के बीच सबका संयोग देना. जैसा प्रशासन की तरफ से, कलेक्टर की तरफ से ये हमारे खासदार चिखलीकर बैठे हुए हैं और इनका बहुत बड़ा संयोग है. और ऐसा ही जो अभी भारत सरकार का जब भी हमारे को परमिशन मिला उस पंजाब सरकार ने वो कॉपी यहाँ पर भेजा और इसलिए पंजाब सरकार ने बसें भी भेजा है. 80 बस जो है यहाँ पर आ रही है और हमने गुरुद्वारा लंगर सब की तरफ से रात को भी 11 बसें रवाना की है. अभी दोपहर को भी 2 बसें गई है. अभी 13 बसें फिर यात्री लेके पंजाब को रवाना हो रही है. वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह. आज बहुत खुशी का दिन है कि हमारे पंजाब के जो भाई बहन लोग यहाँ मत्था टेकने नांदेड़ आए थे, लॉकडाउन के वजह से 1 महीने से वो नांदेड़ में रुके थे. मैं आज खुशी से बोलना चाहता हूँ संत बाबा नरेंद्र सिंह जी, संत बाबा बलविंदर सिंह जी महाराज ने मुझे बुलाया. बलविंदर सिंह जी महाराज ने मुझे लेटर भी दिया था कि आप सरकार से बात कीजिए और ये लोग जाना चाहिए. इतने प्रयासों के बाद देश के गृहमंत्री अमित शाह साहब का मैं बहुत आभार हूँ कि उन्होंने सभी राज्यों के मुख्यमंत्री से बात करके अभी यहाँ से नांदेड़ से जाते टाइम में नांदेड़ लगेगा, एमपी लगेगा, महाराष्ट्र, एमपी, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब, ये सब स्टेट के मुख्यमंत्री जी को बात करने के बाद हमारे जो केंद्रीय मिनिस्टर है हरसिमरत कौर बादल मैडम,
उनका भी बहुत सहयोग रहा। जो एमपी सनी देओल है उनका भी बहुत बड़ा इसमें सहयोग रहा। ये सब लोगों ने मिलकर और जिन्होंने जिन्होंने इसमें कोशिश की है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के लोग हो गए, पंजाब गवर्नमेंट के लोग हो गए, ये सब के कोशिश से आज के ये श्रद्धालु पंजाब जा रहे हैं। बाबा जी ने आपको अभी बताया कि सुबह उन्होंने कुछ बसें छोड़ी हैं, अभी 13 बसें अब छोड़ने वाले हैं। पंजाब गवर्नमेंट के तरफ से भी 80 बसें यहाँ आने वाले हैं। और यहाँ जो हमारे भाई बहनें अटके थे, कुछ उनके बच्चे उधर थे तो बुज़ुर्ग इधर थे, कोई लोगों के बच्चे इधर थे बुज़ुर्ग उधर थे। और अभी जो खेती का काम करने का मौसम आ रहा है, आपको तो मालूम है कि पंजाब से ज़्यादा गेहूँ आता है और पंजाब के गेहूँ पे आधा देश चलता है। और ये सब काम करने के लिए यहाँ बहुत लोग परेशान थे। मैं जो 2-3 बार लंगर साहब में मत्था टेकने आया तो मेरे को बहुत श्रद्धालु मिले, उन्होंने भी कहा कि भाई आप यहाँ के एमपी हो तो हमारे लिए कुछ कोशिश करिए। मगर मेरे अकेले के कोशिश से नहीं हुआ, उसमें सब बाबा जी का बहुत बड़ा सहयोग है, हमारे केंद्रीय मिनिस्टर जी का सहयोग है और उनके वजह से ये सब श्रद्धालु यहाँ से जा रहे हैं। अभी आपने सुना कि पहले कल 11 बसें छोड़े हैं, दोपहर में 2 बसें गए, अभी 13 बसें जा रहे हैं और पंजाब गवर्नमेंट से 80 बसें अभी आ रहे हैं। तो पंजाब गवर्नमेंट ने 80 बस भेज के पंजाब के जो श्रद्धालु हैं उनको लेके जाने का प्रयास किया है, बहुत बड़ा कदम उन्होंने उठाया है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी यही सीखना चाहिए और ऐसे ही काम करना चाहिए कि महाराष्ट्र के जो जो भी लोग जो जो क्षेत्र में पड़े हैं उनको बसेज भेज के लाना चाहिए। तो मैं पंजाब गवर्नमेंट का भी नांदेड़ का एमपी होने से बहुत आभार मानता हूं कि उन्होंने यहां के श्रद्धालु ले जाने के लिए गाड़ी भेज दी है। यहां से बाबा जी ने तो लंगर साहब की तरफ से पूरी सेवा की है। और आपको ये बताना चाहता हूँ कि लंगर साहब गुरुद्वारा जो है हर संकट में, महाराष्ट्र में हो, मराठवाड़ा में हो, नांदेड़ में हो और देश में कहीं संकट आया तो पूरे लोगों को खाना खिलाने का काम लंगर साहब गुरुद्वारे के तरफ से होता है। ये बहुत बड़ा काम, ये कोई नहीं कर सकता, इतना बड़ा काम बाबा जी के नेतृत्व में होता है। आज भी आप देख रहे होंगे 304 लोगों को हर रोज में खाना लंगर साहब गुरुद्वारे के तरफ से, पूरे महाराष्ट्र में तो बहुत बड़ा आंकड़ा होगा और नांदेड़ ज़िले में इतने लोगों को यहाँ खाना मिलता है। और वो भी आप देखो जाके अभी कितना लाइन से और कितना सेवा भाव से ये लोग खाना खिलाते हैं। मुझे आज बहुत खुशी है कि बाबा जी के चरणों में मैं नमन करता हूँ। और आज जो हमारे पंजाब के भाई बहन यहाँ रुके उनको जो भी तकलीफ हो गई तो उसके लिए मैं नांदेड़ का एमपी होने से उनकी क्षमा चाहता हूँ। मगर बाबा जी ने बहुत उनकी सेवा यहाँ की है, लंगर साहब ने जो भी देर है दुरुस्त है, मगर अभी जाने के लिए परमिशन दी। महाराष्ट्र अपना देश के गृह मंत्री अमित शाह साहब, हमारे बादल मैडम, सनी देओल जी, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, इनका बहुत बहुत मैं आभार मानता हूँ।